तो गाइस अभी हम पहुंच गए हैं कार वॉश सेंटर पे। तो पहले मैं कार वॉश कर लेता हूँ, पहले इंटीरियर मुझे साफ करना है पूरा, फिर यहाँ पे एक्सटीरियर का है, तो ये दोनों मैं पहले करके बता देता हूँ, फिर लास्ट में जाते टाइम मैं आपको पेट्रोल यहाँ पे गैस है वो कैसे डालते हैं वो बताऊँगा। देखो थोड़ा सा आपको आइडिया देने के लिए, इधर आप देख रहे हो, ये देख रहे हो मशीन, इसमें एक तरह से वैक्यूम लगा हुआ है, तो वैक्यूम क्लीनर है वो अंदर से पूरा कर सकते हैं। अब ये काम घर पे भी किया जा सकता है, लेकिन क्या ये हाई पावर वाले वैक्यूम्स होते हैं, तो यहाँ से और कार में एक्चुअली कार तक खींच के लाना घर वाले वैक्यूम को थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो जनरली यहाँ पे लोग ऐसा ही करते हैं कि यहाँ पे एक एक डॉलर के कॉइन डालने पड़ते हैं, तो मैं कॉइन अभी एक्सचेंज करवा लूँगा, तो वो कॉइन डालूंगा और मैं आपको बताऊँगा कि कैसे यहाँ पे साफ करते हैं, ठीक है। और अगर इधर देखोगे, मैं आपको इधर दिखाऊँ, तो यहाँ पे देख रही हैं कार, देख रही हैं अंदर और लोग साफ कर रहे हैं, तो इस तरह का सिस्टम होता है वो एक्सटीरियर इसका, बाहर से जो साफ करनी है। तो अभी कार है काफ़ी गंदी है, अभी मैं आपको थोड़ा दिखाता हूँ पूरा प्रोसेस, तो कार को अंदर से और बाहर से कैसे साफ करते हैं। तो पहले मैं जाके टोकन ले आता हूँ, टोकन के लिए देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये वाला जो एक तरह से SO लिखा हुआ है, और ये यहाँ पे छोटा सा स्टोर है, ऐसा हर एक पेट्रोल पंप पे होता है छोटा सा, यहाँ पे कईयों में छोटा कईयों में काफ़ी काफ़ी बड़े भी होते हैं, तो ये जनरल स्टोर टाइप के होते हैं, तो इनमें आपको छोटी मोटी चीज़ खाने पीने की चाहिए, पेप्सी चाहिए, कोल्ड ड्रिंक वगैरह ऐसी चीज़ें मिल जाती हैं यहाँ पे। और अगर आपके पास कईयों के पास ऐसा होता है कि कैश में है और उनके पास कोई कार्ड नहीं है, तो वहाँ पे जाके आप क्या कर सकते हो, कैश दे के कुछ कार्ड कुछ पॉइंट कुछ कूपन या फिर ऐसा कुछ ले सकते हो जिससे पेट्रोल डलवा सकते हो, तो वही मैं अभी काम करने जा रहा हूँ। वैसे तो मेरे पास कार्ड है, लेकिन जो ये वैक्यूम है इसमें डालते हैं एक एक डॉलर के कॉइन, तो मेरे पास अभी एक एक डॉलर के कॉइन शायद इतने नहीं हैं कि यहाँ पे मेरा काम चल जाए। और दूसरा है कि यहाँ पे कार वॉश जो करनी है मुझे बाहर से, उसके लिए भी मुझे चाहिए टोकन्स, तो वो टोकन होते हैं, वो नॉर्मल कॉइन भी नहीं है, वो इनके खुद के ही बनाए हुए टोकन होते हैं, तो वो टोकन डालते हैं तो ही वहाँ से जो भी आपको फॉर्म करना है, आपको पानी चाहिए, तो वो सब चीज़ उसी के हिसाब से आती है। तो 5 मुझे टोकन चाहिए, 5 मुझे ये चाहिए, तो मुझे $10 का खर्चा है। अभी मैंने $50 का एक, देखो ऐसा होता है यहाँ का, 50 में दिखा भी दूँ तो $50 का मैंने एक बिल ले लिया है यहाँ पे, इनको नोट को बिल बोलते हैं एक्चुअली, तो इसको बिल बोलते हैं, तो $50 बिल मैंने ले लिया है। अभी मैं जाके $10 एक्सचेंज करवा लेता हूँ, $10 का सामान ले लेता हूँ जो भी मुझे चाहिए, फिर मैं आपको आके यहाँ पे पहले इंटीरियर क्लीन करके बताता हूँ, फिर मैं एक्सटीरियर, फिर हम चलेंगे गैस भरवाने। तो चलो अंदर चलते हैं। ये बता दूँ, देखो यहाँ से मैंने अभी ये है जो लिखा हुआ है, यहाँ पे सब सामान मिलता है, तो यहाँ से मैंने टोकन लिए हैं। इस तरह का पेट्रोल पंप होता है यहाँ पे, ये डीजल के लिए है, इधर ये पेट्रोल के लिए है। तो यहाँ पे आके अभी मैं पेट्रोल इसमें गैस डलवाऊंगा, और सामने मेरी कार खड़ी हुई है, और कार के पास आपको दिख रहा है वैक्यूम के यहाँ पे बने हुए हैं, और इधर है ये देखो, इसको वेंट वॉश कहते हैं, वेंट बोलते हैं जो एक छड़ी जैसा कुछ होता है, तो उससे यहाँ पे साफ करते हैं। तो ये देखो वैक्यूम क्लीनर है, तो मैं अभी इसमें लिख रहा है $1 चेंज ओनली, तो इसमें मैं टोकन डालूंगा और इसके बाद यहाँ से वैक्यूम यूज़ करूँगा और कार साफ़ करूँगा। पहले कार से मैं सारी चीज़ें निकाल लेता हूँ, साफ क्लीन कर लेता हूँ थोड़ी सी, उसके बाद मैं इस कार को साफ़ करता हूँ। देखो ये कॉइन है, ये कॉइन मैंने इसमें डालूंगा और ये चालू हो जाएगा। तो ये मैंने यहाँ पे डाला, ये देखो इनका वैक्यूम यहाँ पे चालू हो गया है। अब ऐसे कर करके मुझे पूरी कार को वैक्यूम करना है, ठीक है, देख रहे हो। तो यहाँ पे आपको देख ही रहा होगा, देखो जहाँ जहाँ पे मैं वैक्यूम ये कर रहा हूँ, पूरे इसकी गंदगी है वो ये एब्जॉर्ब कर रहा है, तो ये हाई पावर का होता है। अब चलो मैं पूरा पहले कर लेता हूँ, उसके बाद आपको अपडेट देता हूँ। तो गाइस एक कॉइन है वो 1 मिनट के लिए चलता है यहाँ पे, तो मैंने 2-3 कॉइन डाल दिए, लास्ट मेरा बचा हुआ है, तो एक और मैं डालता हूँ, इनको क्लीन करके देखते हैं।
थोड़ा सा हम यहाँ पे भी दोबारा कर देते हैं, क्योंकि अभी ये एक मिनट चलने वाला है पूरा। मेरी कार है ऑलमोस्ट क्लीन हो गई है, सब कुछ मैंने वैक्यूम कर दिया है, लेकिन एक बार फिर से मैं कर देता हूँ फटाफट। तो गाइज हमारी कार हो गई है पूरी वैक्यूम, देखो कितनी गंदी थी। अभी देखो अगर मैं पूरा इसको कार को दिखाऊं तो यहाँ पे पूरा जो वैक्यूम वाला सिस्टम है वो मैंने पूरा कर दिया। तो अभी कार है, कार में कुछ भी धूल वगैरह कुछ भी नहीं है, है ना। तो फुली वैक्यूम कर दिया मैंने, $5 इसके लगे हैं। टोकन सिस्टम है, इस तरह का टोकन रहता है, टोकन को डालूंगा यहाँ पे, पहले मुझे सेलेक्ट करना पड़ेगा। रिंस का मतलब होता है पानी आएगा, सोप है, अलग अलग तरह की चीज़ें हैं, तो मुझे अभी करना है। इन्होंने सोप, हाँ तो मैं सोप का करके बता देता हूँ आपको, फिर उसके बाद मैं फटाफट से क्लीन करूँगा। सोप का मैंने इसमें क्लीन डाला, यहाँ से देखो इसमें आने लग गया गन में से, तो बस मुझे गन और इससे पूरी कार पे बस ऐसे कर देना है। सिंपल है, कहीं हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपको लग रहा होगा थोड़ा ये पानी पानी जैसा लग रहा है, लेकिन ये अभी दिख रहा है आपको सोप है। तो इस तरह से पूरी कार पे एक सोप की लेयर फेर देनी है। यहाँ से देखो पीछे से कार अभी ऊपर, देखो ऊपर ऐसे कनेक्ट होता है, ये घूमता चलता है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे देखो कितनी गंदगी हो रही है ये कार में, ये पूरा अभी थोड़ी देर में क्लीन हो जाएगा। तो देखो दो सिस्टम है, एक इसमें पानी वगैरह और साबुन वगैरह वैक्स सब इसमें से आता है, और एक वहाँ पे दिख रहा है ये ब्रश टाइप का, उसमें से फोम आता है। तो ऊपर देखो ऐसे सिस्टम बने हुए हैं, तो पूरी कार को कहीं भी घुमाना है इसको, तो देखो ये आराम से ऐसे घूम जाता है, ठीक है, ये घूम रहा है ना, तो जिधर भी लेके जाएंगे उधर चला जाएगा। तो अभी मैं आपको पूरा दिखाऊंगा, तो थोड़ा बोरिंग भी हो जाएगा और टाइम भी बहुत लगेगा। तो बस मैं अभी देखो मैं बता देता हूँ, अभी सोप किया है मैंने, इसके बाद मैं फॉर्म करूँगा, उसके बाद टायर वॉश करूँगा, फिर दो बार मैं या तो दो बार रिंज करूँगा या एक रिंज और एक वैक्स करूँगा, ठीक है। ऐसा करके पांच मुझे, पांच मैंने टोकन लिए हैं। तो मैं फाइनली जब लास्ट स्टेप कर रहा हूँ रिंज का, तब मैं आपको दिखा दूंगा, बाकी मैं फटाफट से कर लेता हूँ। तो गाइस देखो सब कुछ हो गया है, कार है ऑलमोस्ट अच्छी हो गई है, इस पर फॉर्म अभी लगा हुआ है, तो फॉर्म से पूरा एकदम क्लीन हो जाती है कार। तो मैंने शैम्पू कर दिया था इस पर साबुन शुरू में, फिर एक बार वाटर से धो दिया था, फिर मैंने अभी फॉर्म किया है, अभी मैं एक बार दोबारा से वाटर से धो देता हूँ। तो धोने को ये बोलते हैं रिंज, तो मैं रिंज पे लगाऊंगा, यहाँ पे एक टोकन डालूंगा, इधर से पानी आना स्टार्ट हो जाएगा। तो पहले इसमें से सोप आ रहा था, अभी इसमें से वाटर आ रहा है, ठीक है। तो इसमें से सोप, वाटर, वैक्स सब इसमें से आता है, फॉर्म उधर से आता है। मैं फटाफट फटाफट इसको क्लीन कर देता हूँ, क्लीन एक बार, ये एक मिनट ही चलता है, तो एक मिनट में क्लीन होता है तो ठीक है, अगर नहीं होगा तो मुझे एक और डॉलर डाल के करना पड़ेगा, पर मैं आपको दिखाने के लिए थोड़ा आराम आराम से कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपको अंदाज पड़े, ये एक तरह से गन टाइप का होता है, इसको प्रेस करके रखो और इस तरह से कार क्लीन हो जाती है। इस कार हो गई है धुल के तैयार, पहले आप देख रहे थे कितनी गंदी थी, अभी देखो एकदम क्लीन हो गई है चारों तरफ से। तो अभी इस पे मैंने फाइनल, आपको बूंद बूंद सी दिख रही है, तो मैंने वैक्स की कोट की है, जिससे क्या होता है इसका वाइट है जल्दी गंदा होता है, वैक्स कोट हो जाती है, तो कुछ फालतू की गंदगी इस पे नहीं आती, ठीक है। तो ये हो गया मेरा कार वॉश। तो गाइज मैंने आपको सब कुछ बता दिया, पेट्रोल कैसे डलवाते हैं यहाँ पे, यहाँ पे कार अगर आपकी वैक्यूम करनी है तो आपको वैक्यूम कैसे करनी है, कार क्लीन करनी है मैन्युअली तो कैसे करनी है। तो मेरा टोटल $10 का खर्चा है, $5 मेरा वैक्यूम में लगा है, $5 मेरा क्लीनिंग में लगा है, ठीक है। पेट्रोल तो ऑब्वियसली डलवाना ही था, तो मैंने $30 का डलवाया था।
अभी क्या होता है कई जगह ऑटो वॉश होती है, तो उसमें क्या है बस आप अपनी कार ले जाके रख दो, अपना आप ही वहां पे मशीन होती है, अपना आप ही क्लीन होती है, तो वहां पे $10-15 लगते हैं उसके। तो अगर आपका बजट है, आप सेटल हो गए अच्छे, तो वहां पे करवा सकते हो। जनरली मैं वहीं पे करवाता हूँ, लेकिन ये सस्ता होता है, तो इसको आपको दिखाना था मुझे, तो इसलिए मैं यहाँ पे लेके आया। अभी मैं आपको भली ले चलता हूँ जहाँ पे मुझे एक अंदर, अगर आपको ऐसा है ना वैक्यूम कर ली, लेकिन इसमें कुछ कार की खुशबू डलवानी है कुछ, है ना, तो उसके लिए एक शॉप है, वो भी क्लीनिंग की है, लेकिन यहाँ पे वो अवेलेबल नहीं है इस वाली शॉप पे, इस वाले पेट्रोल पंप पे वो फैसिलिटी, तो वहां ले जाता हूँ। और वहां पे एक्चुअली वो ऑटोमेटिक वॉश वाला भी है, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो फटाफट से वो करते हैं, और ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो रही है, तो वहां पे जाके और इस वीडियो को खत्म करते हैं। तो गाइस, कार में जो मैं खुशबू की बात कर रहा था, तो वो देखो ये है, दूसरी जगह आ गया हूँ, वैक्यूम एंड फ्रेग्रेंस। तो वैक्यूम तो हमने ऑलरेडी कर लिया है, तो फ्रेग्रेंस में तीन ऑप्शन है, वनीला, क्लीन एंड फ्रेश, न्यू कार। तो मैंने ट्राई किया, न्यू कार है, ऑलरेडी मैंने तीनों ट्राई कर रखे हैं। ये न्यू कार देखो, इसमें बता रहा है कि $2 डालने हैं, तो $2 मेरे हो गए, और मैं न्यू कार पे क्लिक करूंगा, और ये 45 सेकंड के लिए देखो चलने लग गया। अभी इसमें खुशबू आ रही है, तो ये पूरी कार में मुझे स्प्रे कर देना है, एक तरह से स्प्रे टाइप का है, तो ये मैं पूरी कार में कर दूंगा, और इससे पूरी कार में जैसी नई कार आती है ना, उसकी खुशबू होती है, ऐसी हो जाती है। और अच्छी बात यह है कि ये 2 वीक तक रहती है ऑलमोस्ट, तो 2 वीक तक समझ लो आपको कार ऐसी लगेगी जैसे बिल्कुल अभी आप नई शोरूम से निकलवा के लाए हो। तो मैं पूरे में इसको स्प्रे कर देता हूँ, ये 45 सेकंड के लिए होता है। जनरली $1 डालते हो, कार वॉश करनी हो, वैक्यूम करनी हो, तो वो 1 मिनट चलता है, लेकिन ये क्योंकि फ्रेग्रेंस वाला है, तो इसको इतनी जरूरत भी नहीं होती। देखो खत्म, ठीक है, $2 का है ये, और 45 सेकंड के लिए ये ऑलरेडी खत्म हो चुका है। तो गाइज, मैंने सब चीज बता दी, एक चीज बती थी ऑटो वॉश। तो देखो टचलेस वाली सामने दिख रहा है, तो ये होती है सामने, देखो ये वाली मेरी बिल्डिंग है, मेरा घर यहाँ पे, और जस्ट सामने ये है, तो यहाँ पे सब कुछ है। एक्चुअली मैं यहीं पे करवाता हूँ, लेकिन यहाँ पे ऑटोमेटिक करवाता हूँ मैं। तो देखो ऑटोमेटिक का ये सिस्टम है, तो कार सीधी आप अंदर ले जाओ, ऑटोमेटिकली पेमेंट करो, और पूरी कार आपकी वॉश होके आ जाती है। तो चलो बस इतना ही, मैंने आज आपको सारी चीजें बता दी हैं कार से रिलेटेड। मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, सबसे पहले मैंने बताया आपको नंबर प्लेट, अगर आपको VIP चाहिए उसका $100 लगता है, कोई सी भी कार हो, कोई सा भी इंश्योरेंस प्लान हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सेकंड चीज, अगर आपको गैस डलवानी है, गैसोलीन डलवाना है, तो क्या प्रोसेस होता है, कैसे आपको कार्ड डालना है, कैसे आपको सेलेक्ट करना है कितना, और वो इजी प्रोसेस है। लेकिन कई बार क्या होता है, जैसे मैं खुद भी पहली बार आया था, मुझे काफी ऐसा लग रहा था कि कहीं कुछ डाउट लग रहा था कि कुछ हो पाएगा नहीं हो पाएगा, पेट्रोल कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगी, है ना, तो नहीं करवाया होता, तो इसलिए एक बार मैंने आपको बता दिया कि आपको आइडिया लग जाए कि कैसे आपको पेट्रोल डलवाना है। थर्ड चीज़ मैंने बताई कि कैसे गैस स्टेशन होते हैं, यहाँ पे सब चीज़ें एक ही जगह होती हैं, और वहाँ से आप कॉइन ले सकते हो, कॉइन लेके कैसे आपको वैक्यूम करना है, कैसे आपको कार वॉश करनी है, पूरा प्रोसेस आपको बता दिया। यहाँ पे जस्ट आपके लिए ही मैं अलग से आया, और मैंने आपको बताया कि कैसे अगर आपको कार में फ्रेग्रेंस चाहिए, फ्रेग्रेंस अगर आपको डलवानी है, तो फ्रेग्रेंस के लिए क्या प्रोसेस होता है, कैसे करके आप फ्रेग्रेंस डलवा सकते हो, कैसे करके आप ऑटोमेटिक कार वॉश करवा सकते हो, वो भी मैंने आपको जस्ट दिखाया। तो बस इस वीडियो में इतना ही, अगर इतनी सारी चीज़ें मैंने आपको अलग अलग जा जाके दिखाई हैं, तो एक लाइक तो बनता है, लाइक करो, और इस वीडियो को शेयर करो जितना ज़्यादा हो सके, और इस चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो। ऑलरेडी वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।